फ्रेंड्स, वेलकम इन नेक्स्ट नाइन न्यूज। मैं हूं आपकी होस्ट चित्रा, लेकर हाजिर हूं हमारा आज का खास प्रोग्राम फ्यूचर बॉलीवुड। आज के इस खास प्रोग्राम में हम एक बार फिर से लेकर हाजिर हैं आप सभी के लिए उन स्टार किड्स की खबरों के बारे में जो सोशल मीडिया पर आते ही लाइमलाइट बटोर लेते हैं। फ्यूचर बॉलीवुड से ही आप समझ गए होंगे कि हम बॉलीवुड की आने वाली पीढ़ी के बारे में बात करने वाले हैं, यानी जहां नन्हे से तैमूर अली खान से लेकर न्यासा देवगन और मिथुन चक्रवर्ती की बेटी दिशानी चक्रवर्ती, जो सोशल मीडिया पर रहते हैं एक्टिव और लूट लेते हैं सारी लाइमलाइट। इसी के साथ बॉलीवुड स्टार्स किड्स आजकल किसी भी दूसरे स्टार से ज़्यादा खबरों में रहते हैं। जब भी कहीं नज़र आते हैं ये स्टार किड तो लोगों का ध्यान अपनी तरफ ज़रूर अट्रैक्ट कर लेते हैं। तो इस लिस्ट में सबसे पहले नाम शामिल होता है बेशक तैमूर अली खान का। जी हाँ दोस्तों, तैमूर अली खान जिन पर सारे देश की नजरें बनी रहती हैं, उनके जैसा क्यूट बच्चा शायद ही किसी ने कभी देखा हो। और जब भी नजर आते हैं तैमूर, हमेशा ही अपनी क्यूटनेस और अपने भोले भाले फेस से लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने में हमेशा कामयाब रहते हैं। बता दें दोस्तों, वहीं दूसरी तरफ काजोल की बेटी न्यासा देवगन भी इसी लिस्ट में शामिल है। भले ही उनको कम लाइमलाइट में देखा जाता हो, लेकिन जब भी नजर आती हैं तो सारी लाइमलाइट लूट लेती हैं। तो हाल ही में एक बार फिर से न्यासा को उनकी माँ काजोल के साथ स्पॉट किया गया। जी हाँ दोस्तों, हाल ही में काजोल मैडम तुस्ताद म्यूजियम में पहुंची, जहाँ काजोल का मोम का पुतला बना है। इस दौरान बेटी न्यासा को भी काफी ग्लैमरस अवतार में देखा गया काजोल के साथ, और इस बार उन्होंने अपनी माँ से भी ज्यादा लाइमलाइट बटोर ली। आज के इस खास प्रोग्राम में हम आपको दिखाएंगे बॉलीवुड स्टार किड्स के बारे में, जो अपने माता पिता से भी ज्यादा अपने स्टाइलिश अवतार को लेकर हमेशा ही रहते हैं लोगों के बीच चर्चा में। चलिए दोस्तों, बिना देर किए शुरुआत करते हैं इस खास प्रोग्राम की। बॉलीवुड बेबो करीना कपूर खान इन दिनों अपनी फिल्म वीरे दी वेडिंग के प्रमोशन में बिजी हैं। इस दौरान वो अपनी फैमिली को कम ही टाइम दे पाती हैं। तो बता दे, लाडले बेटे को छोड़कर वो अपने सारे काम पूरे करती नजर आई हैं। लेकिन हाल ही में उनकी जो फोटोज सामने आ रही हैं, उसे देखकर आपको भी इन दोनों माँ बेटों से प्यार हो जाएगा। दरअसल बता दे कि बिजी करीना कपूर टाइम मिलते ही फैमिली के साथ नजर आई। करीना को रिसेंटली महबूब स्टूडियो में बेटे तैमूर और पति सैफ के साथ देखा गया। दरअसल करीना यहां एक शूट के लिए रिया कपूर के साथ पहुंची थी। इस बीच उन्होंने नैनी को कहकर तैमूर को भी यहां बुला लिया था। मां को देखते ही तैमूर उनकी गोद में आने को मचल उठे। वहीं करीना भी बेटे को गोद में उठाकर प्यार करती दिखी। इस बीच उन्होंने पति सैफ के साथ भी शूट से पहले क्वालिटी टाइम स्पेंड किया। इन तस्वीरों को आप देख सकते हैं हमारे इस खास रिपोर्ट में। तो इस दौरान करीना येलो कलर की ड्रेस में नजर आई और तैमूर एक बार फिर से न्यू हेयर स्टाइल यानी पोनी टेल में नजर आए अपनी क्यूटनेस के साथ। बॉलीवुड एक्ट्रेस काजोल, जिनको नेचुरल ब्यूटी कहा जाता है, हमेशा ही काजोल की बेहतरीन एक्टिंग को लोगों ने बड़े पर्दे पर देखा है और आज भी दर्शक उनको देखना पसंद करते हैं। तो बता दें, उन्हीं की तरह ही उनकी बेटी न्यासा भी काफी खूबसूरत है। जी हाँ दोस्तों, न्यासा देवगन जो वैसे तो कम ही लाइमलाइट में नजर आती हैं, लेकिन जब भी नजर आती हैं हमेशा सारी लाइमलाइट लूट लेती हैं। बता दें दोस्तों, हाल ही में न्यासा को उनकी माँ काजोल के साथ मैडम तुस्ताद म्यूजियम में देखा गया, जहाँ अपनी माँ से भी खूबसूरत न्यासा ने लोगों को अपनी तरफ बखूबी अट्रैक्ट किया। उनकी तस्वीरों को आप भी देख सकते हैं। तो गौर हो कि यहाँ वो शाहरुख की बेटी सुहाना खान को भी खूबसूरती के मामले में टक्कर देती नजर आई हैं। हाँ, माँ बेटी ने एक साथ काफी पोज दिए। खास बात ये थी कि न्यासा इस दौरान ब्लैक कलर की शॉर्ट्स ड्रेस में काफी स्टाइलिश लग रही थी। कम ही लोग जानते हैं कि न्यासा सिंगापुर में पढ़ाई कर रही है, यही वजह है कि वो अपने माता पिता से दूर रहती है। हमेशा ही खबरों में रहने वाली श्रीदेवी की लाडली बेटी जानवी कपूर को उनकी खूबसूरती की वजह से भी जाना जाता है।
अक्सर ही उनकी फोटोज वायरल होती रहती हैं सोशल मीडिया पर। लेकिन बता दे कि अब खूबसूरती के मामले में उनको टक्कर देने आ रही हैं एक और स्टार किड। जी हाँ दोस्तों, यहाँ हम बात कर रहे हैं एक्टर मिथुन चक्रवर्ती की बेटी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, मिथुन चक्रवर्ती के 3 बेटे और 1 बेटी है। बेटों के नाम है महाक्षय, उष्मे और नमाशी। बेटी का नाम है दिशानी चक्रवर्ती। दिशानी न्यूयॉर्क फिल्म एकेडमी से एक्टिंग सीख रही है और इंस्टाग्राम पर काफी एक्टिव भी रहती है। लगता है कि बॉलीवुड में आने की तैयारी कर रही है दिशानी। बेहद खूबसूरत है मिथुन की बेटी। तो वहीं कई लोगों का मानना ये भी है कि वो खूबसूरती में तो श्रीदेवी की बेटी जाह्नवी कपूर और सैफ अमृता की बेटी सारा अली खान को भी पीछे छोड़ देती हैं। तो उनकी खूबसूरत तस्वीरों को आप भी देख सकते हैं जिसमें उनका ग्लैमरस अवतार हमेशा ही नजर आता है। वेल, अगर बात की जाए यही जाह्नवी कपूर के बारे में, जो इस साल कर रही हैं फिल्म इंडस्ट्री में एंट्री और करने वाली हैं बड़े बड़े एक्ट्रेस की छुट्टी। स्टार किड्स का जब भी नाम आता है तो इस लिस्ट में शाहरुख खान के लाडले बेटे अब्राम अपना एक खास स्पेस रखते हैं, जो हमेशा ही अपनी क्यूटनेस को लेकर चर्चा का विषय रहते हैं। तो ऐसी बात आप सभी को रिपीट। तो बता दें आप सभी को कि शाहरुख खान के लाडले अपनी पहली फिल्म में काम कर चुके हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इस उम्र में और अभी से पहले ही अब्राम ने आखिरकार ये काम कब और कैसे कर लिया। तो बता दें आप सभी को, वैसे बहुत से लोग जानते ही नहीं कि किंग खान के लाडले बेटे बॉलीवुड में अपना डेब्यू कर चुके हैं। बता दें अब्राम शाहरुख की ही फिल्म हैप्पी न्यू ईयर से अपना बॉलीवुड डेब्यू कर चुके हैं। इस फिल्म में अभिषेक बच्चन की अहम भूमिका रही। तो उनकी बेटी आराध्या से भी पहले अब्राम अभिषेक के साथ कर चुके हैं इस फिल्म में डेब्यू। बता दें इस फिल्म में अब्राम ने कैमियो किया था। दरअसल फिल्म के आखिर में जैसा फराह खान अपनी ज्यादातर फिल्मों में करती है, वैसा ही उन्होंने इस फिल्म के साथ भी किया। जब सेट पर अब्राम मौजूद थे तो सबने फैसला लिया कि अब्राम को भी एक शॉट में रखा जाए। बच्चन परिवार हमेशा ही किसी ना किसी बात को लेकर खबरों में रहता है। सारा परिवार फिल्मी दुनिया से ताल्लुकात रखता है, लेकिन अगर इस लिस्ट में परिवार के किसी सदस्य का नाम शामिल नहीं है तो वो है अमिताभ की लाडली बेटी श्वेता बच्चन। लेकिन दोस्तों, जैसा कि हम बता चुके हैं कि अब अपने पिता के साथ ही श्वेता एक्टिंग करियर में कदम रख चुकी हैं। इसी के साथ ही बता दे उनकी बेटी नव्या नवेली नंदा भी इसी करियर में जल्द ही पैर रखने वाली हैं। जी हाँ दोस्तों, हमेशा ही सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने वाली नव्या की तस्वीरों को देखा जा सकता है, जिसे उनके फैंस की संख्या अभी से इतनी ज्यादा है कि उनका अंदाजा भी लगा पाना काफी मुश्किल है। तो बता दे दोस्तों, कहा जा रहा है कि नव्या भी जल्द ही एक्टिंग करियर में पैर रखने वाली हैं। पिछले कुछ समय से ऐसी खबरें लगातार आ रही हैं, तो उनके फैंस के लिए ये काफी बड़ी खुशखबरी है। वेल, इसी के साथ बता दे नव्या की तस्वीरें अक्सर ही सोशल मीडिया पर वायरल होती रहती है, जिसमें हमेशा ही नजर आता है उनका स्टाइलिश और बोल्ड अवतार। उनकी फोटोज को उनके फैंस खूब पसंद भी करते हैं। तो अब उनके फैंस के लिए ये काफी बड़ी खुशखबरी है कि उनकी लाडली नव्या जल्द ही नजर आने वाली हैं बड़े पर्दे पर अपने स्टाइलिश अवतार में। तो वहीं दूसरी तरफ उनके नानू यामिनी अमिताभ को भी इस बात पर गर्व होगा कि उनकी नातिन बॉलीवुड में कदम रखने जा रही हैं। वेल दोस्तों, देखा आप सभी ने हमारे आज के इस खास प्रोग्राम में बॉलीवुड स्टार किड्स के बारे में। जब बॉलीवुड के ये स्टार किड अपने माता पिता को पीछे छोड़ते हुए सारी लाइमलाइट बटोर ले जाते हैं, जहां हम आपको बता चुके हैं तैमूर अली खान से लेकर न्यासा देवगन के बारे में, तो वहीं इस लिस्ट में किंग खान के बेटे अब्राम खान भी पीछे नहीं है। जी हाँ दोस्तों, लंबे लंबे बालों और क्यूट से फेस से अब्राम हमेशा ही हर लड़की का दिल लूट लेते हैं। बता दे दोस्तों, अब्राम खान इन दिनों अपने जन्मदिन को लेकर खबरों में रहे हैं, यानी 5 साल के हो चुके हैं नन्हे अब्राम और आज भी उनकी क्यूटनेस उसी तरह से बरकरार है। वहीं दूसरी तरफ जहां हम आपको बता चुके हैं एक्टर मिथुन चक्रवर्ती की बेटी दिशानी चक्रवर्ती के बारे में, दोस्तों दिशानी को कंपेयर किया जा रहा है इन दिनों सोशल मीडिया पर श्रीदेवी की बड़ी और लाडली बेटी जाह्नवी कपूर से।
जी हाँ दोस्तों, कहा जा रहा है कि मिथुन चक्रवर्ती की बेटी दिशानी जानवी को खूबसूरती के मामले में टक्कर देती है। इन दिनों सोशल मीडिया पर दिशानी की कुछ तस्वीरें लगातार ही वायरल हो रही हैं, जिसमें उनका ग्लैमर अवतार नजर आया है और उनको किया जा रहा है कंपेयर जानवी कपूर से। जानवी जो इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म धड़क को लेकर बनी हुई है खबरों में, लेकिन अब ये फैसला तो आप सभी पर है कि आप दोनों का कंपेयर करें कि कौन ज्यादा खूबसूरत है, कौन ज्यादा बोल्ड है। वेल दोस्तों, हमारे आज के इस खास प्रोग्राम में सिर्फ इतना ही। ताजा अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।